हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्वार्टर वन के रिजल्ट्स, बाईबैक और स्पेशल डिविडेंड, इन तीनों की यहां पर अनाउंसमेंट हुई है जिसके बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बाईबैक के बारे में बात करेंगे, जहां पर लगभग 3.33 करोड़ शेयर लार्सन एंड टूब्रो यहां बाईबैक करने वाली है। और क्या प्राइस में करने वाली है, ₹3,000 के प्राइस में करने वाली है। और ये आप देख सकते हैं, एनएससी का डेटा है 25 जुलाई का, जिस दिन ये बाईबैक का यहाँ अनाउंसमेंट हुआ है, 2,565 में लार्सन एंड टूब्रो यहाँ बंद हुआ है, जो कि अप्रोक्सीमेटली जो बाईबैक आया है वो 17% के यहाँ पर प्रीमियम में हमको बाईबैक देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो 17% का हमको प्रीमियम है, तो ₹3,000 का ये जो प्राइस है, तो टोटल हम देखेंगे जो बाईबैक की साइज है वो 10,000 करोड़ के आसपास हो रही है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगली चीज, बाईबैक के भी दो मोड होते हैं। कौन से मोड में हो रहा है? ये हो रहा है टेंडर मोड में। इसका मतलब क्या है? लार्सन एंड टूब्रो डायरेक्ट जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स है उनसे डायरेक्टली जो शेयर्स है वो खरीदेगी। ये कुछ कुछ जो अभी बहुत रिसेंट में विप्रो का बाईबैक हुआ था, कुछ वैसा ही बाईबैक, ठीक है, जहां पर कंपनी ने एक प्राइस रखा था और जिनको भी अपने जो शेयर्स है उनको टेंडर करना है या नहीं करना है वो फिर जो है शेयर होल्डर के हाथ में होता है। आप टेंडर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेंडर रूट में होने वाला है और लगभग अभी का जो भी 25 जुलाई का मैं प्राइस बता रहा हूं, जिस दिन ये बोर्ड मीटिंग हुई है उसके कंपेरिजन में 17% का ये प्रीमियम देखने को मिल रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि आने वाले दिनों में हमको रिकॉर्ड डेट, लेटर ऑफ ऑफर, इंटाइटलमेंट, इन सब के बारे में पता चलेगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन ऐसा हुआ कि हमको बाईबैक में हिस्सा लेना है तो क्या हम एलिजिबल हैं? अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो में 25 जुलाई को जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ है उस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल तब यहां पर एलिजिबल है, लेकिन रिकॉर्ड डेट आएगी तो जिनके पास भी जितने स्टॉक रिकॉर्ड डेट के दिन रहेंगे उस हिसाब से जो बाईबैक है उसका इंटाइटलमेंट आएगा। अब बाईबैक का मतलब ये भी नहीं है कि समझ लीजिए आपके पास 100 शेयर है तो 100 में से 100 शेयर जो है कंपनी ले लेगी, तो ये एंटाइटलमेंट होता है और बाद में हमको पता चलता है कि फाइनल एक्सेप्टेंस क्या है। तो ये जो क्लैरिटी है हमको कब आएगी? जब रिकॉर्ड डेट और फिर लेटर ऑफ ऑफर आएंगे तो उसमें हमको पता चलेगा। अब देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस कंपनी ने ऐसा कहा है कि टेंटेटिव, जो उन्होंने इंडिकेटिव कहा है कि December 31 या उससे पहले हो जाएगा, और हमने देखा भी है कि जो बाईबैक का प्रोसेस है लगभग 3-4 महीने तो लग जाते हैं। लेकिन हाँ, अभी जो विप्रो का जो बाईबैक का प्रोसेस था हमने देखा था रिलेटिवली बहुत जल्दी हो गया था, क्योंकि जितना मुझे याद आता है अप्रैल के समय में ये अनाउंसमेंट हुआ था और जून एंड होते होते और बिल्कुल जुलाई की शुरुआत तक ये प्रोसेस जो है पूरा खत्म हो गया था। तो देखते हैं यहां पर किस हिसाब से चीजें आगे बढ़ रही है या कम हो रही है, लेकिन फिर भी 3-4 महीने का तो अभी हम देख ही रहे हैं कि प्रोसेस चल ही रहा है। अब हम बात करेंगे स्पेशल डिविडेंड की। तो स्पेशल डिविडेंड आ रहा है ₹6 का। रिकॉर्ड डेट होने वाली है August 2 और जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर है उनको जो पेमेंट है August 14 या उससे पहले हो जाएगा। अब ये ₹6 का जो स्पेशल डिविडेंड है उसके साथ साथ जो फाइनल डिविडेंड है लार्सन एंड टूब्रो का वो भी है ₹24 का। इनफैक्ट ₹24 का डिविडेंड तो हमको जब क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए थे उस समय से हमको पता था, और जो एक्स डेट जो उसकी भी है आप August 2 को ही आप देखेंगे, और पेमेंट भी उनका August 14 को हो जाएगा। तो यहां पर क्लबिंग हो रही है, ₹24 का फाइनल डिविडेंड और ₹6 का स्पेशल डिविडेंड, तो टोटल डिविडेंड कितना? ₹30 का यहां पर लार्सन एंड टूब्रो की तरफ से हो रहा है। और जो एलिजिबल शेयर होल्डर्स है, मतलब जिनके पास भी जो शेयर है, जैसे एक्स डेट है August 2, मतलब August 2 से पहले जिनके पास भी शेयर हैं वो एलिजिबल होंगे और उनको फिर जो डिविडेंड है ₹30 जैसे यहां बताया जा रहा है, तो ₹30 का उनको डिविडेंड भी पर शेयर के हिसाब से मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रही। अगली चीज है रिजल्ट्स। अब देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, उनको एनालिसिस करने के जो बहुत सारे तरीकों में एक इंपॉर्टेंट तरीका होता है कि उनका ऑर्डर बुक देखना है, क्योंकि ऑर्डर बुक से हमको पता चलता है भविष्य के बिजनेस की क्या विजिबिलिटी हो सकती है। तो ऑर्डर बुक आप देखेंगे Q1 में 65,000 करोड़ के आसपास उनको ऑर्डर मिले हैं, और ओवरऑल लार्सन एंड टूब्रो इतनी बड़ी कंपनी है, ऑर्डर बुक आप देखेंगे 4.12 लाख करोड़ की उनकी ऑर्डर बुक है, जो कि मजबूत ऑर्डर बुक कही जाएगी। और इंपॉर्टेंट चीज कि लगभग 29% जो ऑर्डर है उनको इंडिया से बाहर भी मिल रहे हैं, मोस्टली हम देखते हैं कि मिडिल ईस्ट से उनको बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। कैसे रिजल्ट्स रहे हैं आप देख सकते हैं, रेवेन्यू बढ़ा है 34% यहां पर बढ़ा है, पिछली बार 35,853 करोड़ था, इस बार 47,882 करोड़ है, और एबिट्रा आप देखेंगे 4,869 करोड़ है। हाँ, यहां पर हमको जो मार्जिन्स हैं
वो कम होते हुए दिखे हैं। 11% का एबिट्टा मार्जिन था जो अभी घटकर 10.2% का एबिट्टा मार्जिन हुआ है, जिसका एक कारण ये हो सकता है कि जो रॉ मटेरियल्स हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है तो बहुत सारे रॉ मटेरियल की भी जरूरत होती है, तो रॉ मटेरियल का हमको इन्फ्लेशन देखने को मिला है, जिसका इम्पैक्ट लग रहा है कि अभी भी इन नतीजों में हमको देखने को मिल रहा है। बाकी ये सिर्फ मैं फर्स्ट कट लाया हूं और ये रिजल्ट्स आपके सामने रख रहा हूं। अभी भी यहां पर मैनेजमेंट क्या कह रहे हैं, ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं और जो एनालिसिस है वो भी बाकी है, तो अगले कुछ दिनों में आप उसको भी एक्सपेक्ट हमारे चैनल में कर सकते हैं, जहां पर हम टोटल जो बिजनेस है उसकी एनालिसिस करेंगे। लास्ट में प्रॉफिट इस क्वार्टर में 2,493 करोड़ का हुआ है, फर्स्ट कट है दोस्तों, और डिटेल्स आएंगी आपके सामने लेकर आएंगे। सब्सक्राइब करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी। थैंक यू दोस्तों।